जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल इन माय लाइफ कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे मज़े में होंगे हम भी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में तो जनाब आज हम बना रहे हैं जी गोला कबाब और उसके लिए मैंने ले लिए हैं जी प्याज़ तकरीबन मैंने लिए हैं जी दो मीडियम साइज़ के प्याज और उनको मैंने बड़े बड़े पीसेज़ में कट कर लिया ज़्यादा छोटे पीसेज़ नहीं करने उसके बाद हमने लिए हैं सब्ज़ मिर्चें छः से सात मैंने कड़वी वाली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्ज़ मिर्चें हैं वो ली हैं और आठ से दस जो है मैंने ले लिए हैं लहसन के ये तीन चीज़ें हमने डालनी हैं जी हमारे चॉपर में ये जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं ये आपके लिए नाफ होंगी तकरीबन एक किलो कीमे के लिए मेरे पास एक किलो कीमा है और एक किलो कीमे के साथ मैंने आज बनाने हैं जी गोला कबाब वैसे तो अफ्तार में चीज़ें बनती हैं लेकिन मेरी कोशिश है कि आपके साथ कुछ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँ जो मैंने पहले अपने चैनल पर ज़्यादा ना की हो तो इसी कोशिश की वजह से रोज़ सोचती कि आज ऐसा क्या बनाऊँ जो मैंने पहले आपको नहीं दिखाया तो ये जो कबाब है ना ये मेरे घर में रमज़ान में ही स्पेशली बनते हैं क्योंकि आपको अदरवाइज़ पता है हमारे घर में चपली कबाब या बारबेक्यू कबाब्स बनते हैं तो ये गोला कबाब मैं कम बनाती हूँ मैंने मेरा ख़्याल है लास्ट रमज़ान में ही मैंने बनाए थे और आज मैं दोबारा बना रही हूँ अच्छा इसमें आपने क्या करना है कि जब आपका पूरे ये सारे स्पाइसेस जो है मसाले वगैरह आपके अच्छे से चॉप हो जाएं तो आपने दो ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं और उनको मोटा मोटा अपने हाथों से तोड़ के उसको भी इसी मसाले के साथ अच्छे से हमने इसको ग्राइंड कर लेना चॉप कर लेना सॉरी मैं कह रही हूँ ग्राइंड ग्राइंड नहीं करना चॉप कर लेना फिर आपको बताती हूँ दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए सात आठ मैंने सबज मिर्चें ली मैंने सात आठ से दस जो ले लिए थे लहसन के उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया चॉप काफ़ी बारीक करना है जैसे वो चॉप हो गया उसके अंदर मैंने दो लिए हैं जी ब्रेड के स्लाइसिस और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ताकि वो भी अच्छे तरीके से इसके साथ वो चॉप होके एक सा उसका ना एक पेस्ट सा बन जाएगा अब मुझे लग रहा है कि अच्छे तरीके से हो गया है जी हमारा सब कुछ चॉप और इसके अंदर अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा कीमा तो कीमे को मैंने मैं कीमे को धोती नहीं हूँ सब लोग कहते हैं गुलाब कीमा धोती है नहीं जनाब मैं कीमा धोती नहीं हूँ मैं क्या करती हूँ कि मैं कीमे को जब अपने जो मेरा बुच्चर है उससे मैं कहती हूँ कीमे गोश्त को धो के उसका कीमा करे फिर जब मैं घर लेके आती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको एक स्ट्रेनर में रख देती हूँ ताकि उसका जो भी एक्सेस जो ब्लड वगैरह वो निकल जाए कीमा हमने इसमें ऐड किया अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस डाल रहे हैं जिसमें मैंने सबसे पहले ऐड किया है जी सॉल्ट टू टेस्ट जितना आपको अच्छा लगता है अब हम डालेंगे जी रेड चिली पाउडर मैं डालूंगी तकरीबन वन टेबल स्पून मैंने भर के डाला है क्योंकि मे मेरे घर में स्पाइसी कबाब खाए जाते हैं अब हम डालेंगे इसमें सूखे धनिया ये हमें ज़्यादा डालने हैं अच्छा सूखे धनिया आपको दो टेबल स्पून या टी स्पून डालने हैं आपने आपने देखा मैंने सॉल्ट एंड जो रेड चिली पाउडर है वो मैंने कम डाला लेकिन मैंने इसको ज़्यादा सारा इसमें ऐड किया है ज़ीरे का हम इसमें वन टी भर के मैंने डाल दिया है जी ज़ीरा आपने ये चीज़ें नोट करनी है इसमें ज़ीरा सूखे धनिया इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इन्स होता है यहाँ पे आपको एक दे रही हूँ टिप छोटी सी सीक्रेट वाली चीज़ वो है जी ये हमारे पास बेकिंग सोडा पाउडर नहीं लिया मैंने सोडा लिया है क्वार्टर टी स्पून भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है इसको ऐड करने की रीज़न क्या है क्योंकि इससे आपके कबाब जब बनेंगे तो बड़े फ्लफी फ्लफी से बनेंगे बहुत मज़े के बनेंगे यहाँ तीन से चार टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल का भी ऐड किया है ये सारी चीज़ें आप देखते जाए मैं स्टेप बाई स्टेप डाल रही हूँ और आपको मैं बड़ी डिटेल से चीज़ें साथ साथ बता भी रही हूँ फिर आपको मैं बता देती हूँ प्याज़ लहसुन हरी मिर्चें इनको मैंने चॉप कर लिया चॉप करने के बाद उसमें मैंने ब्रेड डाल दी ब्रेड को भी मैंने चॉप कर दिया फिर कीमा डाला कीमे के साथ मैंने नमक सुरख मिर्च सूखे धनिया ज़ीरा पाउडर या ज़ीरा जो भी आपके पास है वो मैंने डाल दिया उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा ऑयल ऐड कर दिया अब बारी आती है जी सब्ज़ धनिया की ये सब्ज़ धनिया ऑप्शनल है कुछ लोगों को कबाब में सब्ज धनिया अच्छे नहीं लगते मुझे चूँकि सबस धनियों से इश्क है तो मेरा ये इश्क इसको यूज़ के बगैर पूरा नहीं होता तो बस इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया फिर हम इसको चॉप करेंगे चॉप करने के लिए आपको एक चीज़ बता दूँ अगर आपका कीमा प्रॉपरली पिसा हुआ नहीं है अच्छे तरीके से आपने उसको चॉप नहीं किया अच्छे तरीके से आपने उसको मिक्स नहीं किया तो आपके कबाब कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे आपके कबाबों में कोई ना कोई कसर ज़रूर रह जाएगी तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ज़रूर ख्याल रखना है ये ना हो कि आप कहीं गुल हमारे कबाब तो अच्छे नहीं बने थे ये हो गया वो हो गया क्योंकि ये कबाब बड़े ही खस्ता बनते हैं इनको पलटना भी मुश्किल होता है ये इतने खस्ता बनते हैं क्योंकि गोला कबाब है ये नॉर्मल कबाब नहीं है इसमें भी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कुछ लोगों को ये होता है कि सख्त कबाब अच्छे लगते हैं अगर आपको कबाब सख्त अच्छे लगते हैं तो आप इसमें जो ब्रेड का स्लाइस है वो आप उसमें एक एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं जितने ब्रेड ज़्यादा डालेंगे उतने आपके कबाबों में थोड़ी सख्ती आ जाएगी मैंने छोटे छोटे थे उसके स्लाइसेस और मैंने सिर्फ दो डाले हैं तो ये चीज़ें छोटी टिप्स हैं जो आप जब कबाब बनाएं या कोई भी डिश आप बनाते हैं तो जो आपको बनाने वाला छोटे टिप्स बताता है या उसकी जो मेन चीज़ें होती हैं उसको ज़रूर नोट डाउन किया करें अगर आपके स्पाइसेस ऊपर नीचे हो गए थोड़े कम ज़्यादा हो गए उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जो खाने के टेक्स्चर का फ़र्क पड़ता है ना वो ये छोटी मोटी टिप्स के साथ बनता है जो आप लोग बड़े दफ़ा चीज़ें बनाने के बाद आपको पता चलता है अच्छा मैंने इस टिप के साथ ये चीज़ बनाई थी तो ज़्यादा अच्छी बनी थी इस चीज़ के साथ ये बनाई थी तो अच्छी नहीं बनी थी इसीलिए मेरी कोशिश होती है जब भी मैं इस तरह का व्लॉग बनाऊं कोई रेसिपी का तो मैं डिटेल आपको दिखाती हूँ मैं उसको कट नहीं करती मैं उसको बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करती ताकि आप लोगों को प्रॉपर पता चले अब हमने क्या करना है इसको हमने लगा दिया लेट और इसको हमने फ्रिज में रख देना है दो से तीन घंटे के लिए इसको रेस्ट देना ज़रूरी है अगर आप इसको रेस्ट नहीं देंगे तो ये अच्छे नहीं बनेंगे इसको रेस्ट देना ज़रूरी है अब दो तीन घंटे हो चुके हैं हमारे अवतार का टाइम है और आज अवतार में हम फ्राइड फ़ूड नहीं बना रहे तो ये थोड़ा डिफरेंट भी अवतार है और इसलिए मैंने कहा एक डिफरेंट रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए अब हमने क्या करना है कबाब हमने बड़ा एक पैन लिया उसमें हमने ऑयल डाल दिया है अब हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने एक स्क्योर के ऊपर लेके कोई भी अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं हाथों से अगर आप प्रेस करके बना सकते हैं तो एक कबाब बनाएं मैं लंबे और बड़े कबाब बनाती हूँ अच्छा गोला कबाब लोग छोटे काट के बनाते हैं छोटे छोटे साइजेस के उनके होते हैं लेकिन मैं उसको सीख कबाब की ही शक्ल देती हूँ मुझे अच्छी लगती है वरना अगर आप वो बनाएंगे तो एक्चुअली हैंडल करना ज़्यादा आसान है लेकिन मुझे ये शक्ल पसंद है तो मैं हमेशा गोला कबाब भी ऐसे ही बनाती हूँ जैसे कि हम सिंपल कबाब बनाते हैं हमारे सीख कबाब तो इस तरीके से आपने हाथों पे ऑयल लगाया साथ थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं और आपने कबाबों की शेप देनी है जैसे जैसे कबाबों की शेप आती जाएगी आप इसको हमारे इस ट्रे के अंदर हमारे इस पैन के अंदर ट्रे में क्या कह रही हूँ पता है कभी कभी ज़ुबान जो है ना रोज़े के बाद तो बिल्कुल ही ना लफ्ज़ ही घुम हो जाते हैं मेरे मुंह में अभी अफ्तारी करके बैठी हो ना और अब इसकी मेडिटिंग कर रही हूँ तो खाया पिया ना तो एक तो सुस्ती भी हो जाती है खाने के बाद और फिर लफ्ज़ जो है ना वो गोल गोल घूमते रहते हैं आपके मुँह में मेरे मुँह में तो घूमते हैं मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा फंबल करती हूँ ऐसी सिचुएशन में तो चलें जनाब अब मैं यहाँ पे जाती हूँ और सारे के सारे कबाब्स बना के आती हूँ वापस फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कबाब कैसे लग रहे हैं तो ये देख लें जनाब मैंने पूरे ये एक किलो कीमे के मेरे इतने कबाब बने हैं इसमें से ये सारे के सारे कबाब इसके अंदर पड़े हैं अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने मीडियम टू हाई आंच के ऊपर हमने इसको पकाना स्टार्ट करना है साथ में बन रहा है जी मसाला चिकन मेरे हस्बैंड का फेवरेट उनको खाना था उन्होंने कहा मुझे तो बना के मैंने कहा चले भाई आपके लिए वो बनाते हैं ये साथ साथ में बन रही है लेकिन हम आते हैं वापस हमारी रेसिपी की तरफ इसको हमने मीडियम टू हाई आँच के ऊपर बनाना है और इसको मीडियम टू हाई आँच पर बनाने का क्यों मैं कह रही हूँ क्योंकि ये कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये टूटेंगे मुझे लग रहा है मेरे से भी टूटेंगे लेकिन बनाने मैं बड़े भी बनाती हूँ फिर टूटते हैं तो मुझे अफसोस भी होता है अच्छा जैसे ही हमारे कबाबों पर कलर आ जाएगा फिर हम इसकी को कर देंगे स्लो और उसको हम लिड के साथ ढक देंगे और हम उसको पकने के लिए छोड़ेंगे क्योंकि हमें कबाब अंदर तक पकाने हैं इस कबाबों का जो फ्लेवर है ना वो ऐसे ढकने से जो उसका वाटर रिलीज होगा फिर वो अंदर ही ड्राई होगा तो जिससे वो जूसी और मज़ेदार कबाब बनेंगे ना उसकी तो आप पूछें ही नहीं तो बस हम इसको छोड़ते हैं अब लास्ट इसके स्टेज क्या है कि हमने कोयले का धुआं लगाना है और कोयला आपको पता है मैं बखूर वाला यूज़ करती हूँ कोयला आप सबको पता है कैसे धुआं दिया जाता है तो इसको धुआं दे रही हूँ मैंने भी आपको दिखाया था कि हम लोग साथ में फ़तायर भी बना रहे हैं कल फ़तैर की रेसिपी मैंने आपके साथ इनकम्प्लीट रेसिपी शेयर की थी तो वो दो दिन के लिए होते हैं आज मैं फ़तायर और साथ में हमारे गोला कबाब और उसके साथ हम लोग ये बना रहे हैं हमारा मसाला चिकन तो आज हमारे घर में फ़्राइड फूड की छुट्टी है आज हम इसको एंजॉय करेंगे और आपने ये रेसिपी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा मैं हमेशा आपसे कहती हूँ मेरी रेसिपीज़ जो है ना मैं तारीफ़ अपनी नहीं करती प्लीज़ बनाएं तो आपको पता चलेगा कि सिंपल इजी वाली रेसिपीज़ होती हैं पूरा पूरा दिन भी आपको किचन में नहीं लगाना पड़ता और आपकी टेबल जो है ना वो मज़ेदार खानों से सज जाती है मेरा तो ये मानना है खाना वो अच्छा होता है जो दिल से बनाओ और ईजी और सिंपल तरीक़ों से बनाओ बहुत ज़्यादा उसमें ना इस इधर उधर की चीज़ें ना ऐड करें मुझे ये चीज़ें ना लगता है कि खाना मुझे पसंद नहीं आता इधर देखिए कल के जो हमने फ़तः हमारा बचा था ना एक दो हाफ़ डो बची थी उससे मैंने एयर फ्रायर के अंदर बना दिए क्योंकि एयर फ्रायर का भी अपना मज़ा है छोटा सा है जल्दी मिलती अच्छी अच्छी चीज़ें बना देता है तो मुझे इसमें वैसे बड़ा प्यार आता है एयर फ्रायर आपको पता है एक एयर फ्रायर है और दूसरा मेरा इंस्टेंट पॉट ये मेरे फेवरेट है मैं इनके बगैर बिल्कुल भी अपने किचन को तस्वर भी नहीं कर सकती ये दो चीज़ों का मेरे घर में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो चले जरा आप इसको कोयले का धुआं देंगे उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और देखें एक दो कबाब ना थोड़े थोड़े टूटना स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं लंबे कबाब मज़े के कबाब बनाने का ही मज़ा आता है और उनकी जो लुक भी आती है ना वो भी क्या बात होती है सीरियसली मज़ा आ जाता है उनको ये देखें ज़रा कोयले में ना धुआं पहले से उठना शुरू हो गया है वो कहते हैं ना ये धुआं सा कहाँ से उठता है तो ये हमारे कोयले में से उठ रहा है अब हम इसको करेंगे कवर तो और इसको हम छोड़ देंगे दस से पंद्रह मिनट के लिए चूल्हा मैंने बंद नहीं किया बिल्कुल हल्की आँच पर बेशक वो नीचे से काला काला होगा उसका भी एक अपना मसाला आता है उसका एक अपना फ्लेवर आता है तो ये देख लें जनाब तकरीबन मैंने इसको पंद्रह बीस मिनट के लिए कोयले का धुआं देके रख दिया था लेकिन चूंकि चूल्हा हमारा जल रहा था ना तो उस वजह से इसका अभी तक आपको स्मोक नज़र आ रहा है ये देखें मैंने ऐसी अफ्तारी का देखें आपको सेवन थर्टी सिक्स नज़र आ रहे हैं और हमारा सेवन पे टू था रोजा कल का तो मेरे पास टाइम नहीं था सब लोग टेबल पे आ चुके थे तो मैंने कहा जल्दी जल्दी इसको निकालो जल्दी जल्दी निकालो सर्व करना सर्व करना साथ में नान भी गर्म कर रही थी और साथ में ये चीज़ें भी होती ये चीज़ें वो होती हैं ना जितनी गर्म जितनी ताज़ा होती हैं उतनी मज़े की लगती हैं ये ठंडे हो जाएंगे ना यकीन करें कबाब अच्छे नहीं लगेंगे ये मुझे पता है बेशक जितने भी मज़े के बने होंगे ना जब तक आप उसको प्रॉपर पकाएंगे नहीं ना और गर्म वाले पकाएंगे नहीं तब तक उसका मजा नहीं आएगा तो चलें अभी एक दो कबाबों में मुझे थोड़ी सी कसर लग रही थी इसको मैं यहीं पे छोड़ूंगी इसको मैं नहीं निकालती जो पक चुके हैं प्रॉपर इनको मैं निकाल के जरा देखें क्या ऑयली ऑयली सी शक्ल है ये रूखे नहीं बनेंगे सूखे नहीं बनेंगे तो ये देख लें मैंने जितने कबाब बनाए उसमें से दो कबाब टूटे हैं मेरे बाकी सारे मैंने बचा लिए हैं और ये भी थोड़ी सुस्ती होती है कि रमज़ान की वजह से मुझे था कि जल्दी जल्दी एक ही दफ़ा में सब बन जाए तो मैंने वो जल्दी में उसको एक दो को तोड़ दिया तो ये लें जनाब जी ये है जी हमारा आज का दस्तरखान आज का हमारा अवतार मज़ेदार यमियस्ट अवतार था आज का हमारा बहुत मज़े के कबाब बने इतने मज़े के इतने मज़े के कि मैं आपको बता नहीं सकती मसाला चिकन मैंने सिर्फ ट्राई किया सॉल्ट और पेपर को पेपर के नहीं मिर्चें चखने के लिए तो मुझे लगा बहुत अच्छा बना है कल इन्जॉय करेंगे इसको तो चलें जरा आप ये था जी हमारा आज का ब्लॉग और यही थी हमारी आज की रेसिपी उम्मीद करते हैं आपने इन्जॉय की होगी मिलते हैं कल देखिए जी अल्लाह हाफिज